हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी, और बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन के लिए पूरी टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? निम्न में से कौन सा मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? देखिए बेटा जी, पहला ऑप्शन है एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर कोजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। आपको पता है ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज नहीं करता है, एएनएफ वैसोडायलेटर। सेकंड है डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स। यदि रेनिन सिक्रेशन जेजी सेल से डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब रास सिस्टम नहीं चलेगा। रास सिस्टम नहीं चलेगा तो इसका मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के इफेक्ट अप्लाई नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अंडर सिक्रेशन से वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। देन द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, इट मीन्स ये रास सिस्टम का पार्ट है और जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर। नेक्स्ट, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है, कब पूर्ण होगा, ये हमारे पास में ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट में, इसको पूर्ण करने के लिए यहां पर स्पर्म एंट्री की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही स्पर्म इसको पेनेट्रेट करेगा तब इसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, और म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करते ही ये एक मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस यहां पर क्या है, स्पर्म एंट्री होना जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन, रॉन्ग। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रायर टू ओवुलेशन, रॉन्ग। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, ऑल्सो रॉन्ग। देन द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट प्लीज, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। कॉलम फर्स्ट में दे रखे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। कॉलम सेकंड में दे रखा है इम्यून रेस्पॉन्स, फैगोसाइटोसिस, रिलीज हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। देखिए बेटा जी, लिम्फोसाइट में क्या है, बी लिम्फोसाइट भी है एंड टी लिम्फोसाइट भी है। ये इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट मीन्स इसका मैच करेंगे हम फर्स्ट से। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है, फैगोसिटिक, इट मीन्स इसका मैच करेंगे फैगोसिटिक सेल्स या फैगोसाइटोसिस शो करेगा। बेसोफिल, बेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, तो बेसोफिल इसका मैच करेंगे फोर से। एंड इओसिनोफिल ये क्या करेगा, हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, इसका मैच करवाएंगे थर्ड से। इट मींस डी लिम्फोसाइट का मैचिंग किससे है, फर्स्ट से, तो डी में फर्स्ट कहां पर मैच हो रहा है, एक ही ऑप्शन है, देन द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट प्लीज, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन। एक साइड में है प्लेसेंटा, जोना पेलुसिडा, बल्बो यूरिथर ग्लैंड एंड लीडिंग सेल्स। दूसरी साइड में एंड्रोजन, एचसीजी, लेयर ऑफ ओवम एंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। आपको पता है लीडिंग सेल्स का रोल है एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करना, प्लेसेंटा का रोल है एचसीजी को सिक्रेट करना, जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा एंड वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ये क्या है, ओवम की लेयर है। बल्बो यूरिथल ग्लैंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड है जो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करेगा। इट मींस ए का मैच किससे होना चाहिए, सेकंड से, ए का मैच सेकंड से, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, देन द करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। कौन सा आंसर है, सेकंड। नेक्स्ट प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल यहां पर ओवम है, यहां से बाहर रिलीज कब होगा, इट मींस क्या होना चाहिए, ग्राफियन फोलिकल को रप्चर होना चाहिए। और ग्राफियन फोलिकल रप्चर कब होगी, एलएच
सर्ज की वजह से. एलएच सर्ज इट मीन्स एलएच का लेवल क्या होना चाहिए, हाई. और एलएच सर्ज किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन के इंक्रीज करने से. फर्स्ट ऑप्शन है लो कंसेंट्रेशन ऑफ एलएच, रॉन्ग. लो कंसेंट्रेशन ऑफ एफएसएच, रॉन्ग. हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, करेक्ट. हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मेस्ट्रुअल साइकिल में आपने ग्राफ देखा होगा, फर्स्ट दिस वन इज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये एफएसएच, ये एस्ट्रोजन, ये एलएच और ये प्रोजेस्टेरोन. इस लेवल पर एलएच सर्ज हाई है, इट मींस ओवुलेशन होगा. मींस इससे ठीक पहले किसका लेवल हाई है, एस्ट्रोजन का. देन करेक्ट ऑप्शन इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन. नेक्स्ट प्लीज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना. देखिए बेटा, फोर्थ ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. करेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. CO2 का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो इंटरफेयर करेगा. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इट मीन्स ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें तो रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है. लो CO2 इन एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. इट मीन्स लो CO2 एल्यूलाई के अंदर, इट मीन्स वहां कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की क्या है, हाई. इट मीन्स ये भी क्या है, करेक्ट है. हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट. ये सभी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. हायर कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन एंड एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता है, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ. और एसिडिक स्ट्रेंथ किस साइड में शिफ्ट करेगा ग्राफ को, राइट साइड में. तो ऐसे में ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को फेवर करता है, ना कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को. तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ये क्या है बेटा जी, रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट. कौन सा आंसर होगा बेटा जी इसमें, फर्स्ट. नेक्स्ट प्लीज, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ. एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है. एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज हो रहा है, और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, ये क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करवाता है बेटा जी, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवाने का काम करता है. तो एंटेरोकाइनेज का रोल क्या है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फोर. नेक्स्ट प्लीज, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, आपको पता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मीन्स ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था TH मॉर्गन ने. देन द करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड. नेक्स्ट प्लीज, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट SN मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज फ्लास्क. SN मिलर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. SN मिलर एक्सपेरिमेंट जो है 800 डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म किया गया था. इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया. क्या क्या प्रेजेंट था उसके अंदर, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड वाटर वेपर. इट मीन्स करेक्ट आंसर थर्ड होगा, CH3 नहीं था. ये भी रॉन्ग हो गया. करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी, थर्ड. नेक्स्ट प्लीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है. इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट. वर्मीफोर अपेंडिक्स अराइजेज
from duodenum. Ileum open into small intestine. Serosa is the innermost layer of the alimentary canal. Serosa जो है innermost नहीं है, outermost है. Wrong statement. Ileum open into small intestine नहीं, large intestine. इसकी वजह से wrong हो गया. Vermiform appendix arise from duodenum. Duodenum से नहीं, cecum part से. ये भी क्या हो गया? Wrong हो गया. Ileum is the highly coiled part. Correct option क्या है? First. Next please. In which of the following technique the embryo are transferred to assist those female who cannot conceive? Cannot conceive. क्या करना हमें? Embryo को transfer करना. Embryo को transfer करने की technique जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनमें कौन कौन सी technique दे रखी है. Intracytoplasmic sperm injection, zygote intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, zygote intrafallopian transfer, intrauterine transfer, gamete intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer. हमें क्या embryo को transfer करना, gift या gamete कर रहा है तो wrong हो गया. यहां पर भी gamete को transfer कर रहा है, wrong हो गया. यहां पर साइटोस्पर्म इंजेक्शन यहां भी गैमेट कर रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गया. करेक्ट आंसर क्या होगा? जिफ्ट. जाइगोट को इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मींस अप टू 8 सेल स्टेज होगी तो हम उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे एंड मोर देन 8 सेल होगी तो उसे डायरेक्टली यूट्रस में. देन द करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट प्लीज. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. सही का मिलान कीजिए. फिनाइल कीटो यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट. नहीं बेटा जी, फिनाइल कीटो यूरिया ऑटोसोमल रिसेसी होता है. रॉन्ग हो गया. हीमोफीलिया वाई लिंक. नहीं, हीमोफीलिया क्या होता है? एक्स लिंक्ड होता है. एक्स लिंक रिसेसी. थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड है. नहीं, थैलेसीमिया एक्स लिंक नहीं है. ये क्या होता है? ऑटोसोमल होता है. सिकल सेल एनेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोजोम 11 से रिलेटेड है. ये करेक्ट है. इट मींस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट प्लीज. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सही कथन का चयन कीजिए. इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट. नहीं, इंसुलिन एक्ट अपॉन हिपेटिक सेल. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग. इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन. मीन्स इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है तो ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा? कम करेगा. इट मींस हाइपर थोड़ी ना होगा, यहां पर क्या होना चाहिए? हाइपो. इसलिए ये स्टेटमेंट भी इसकी वजह से गलत हो गया. ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिक. हाइपोग्लाइसेमिक मैंने अभी बताया, ये तो इंसुलिन का काम है. यहां पर हाइपर होना चाहिए था, इसकी वजह से यह भी रॉन्ग हो गया. ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ग्लूकोज को लेवल को इंक्रीज करेगा तो इट मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस. अदर सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? थ्री. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललित सोनी, टीम बोटनी. आज बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करेंगे नीट 2020 के अंदर जो क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के आए थे. अपन उनका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, अपन उनका यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे. इस श्रृंखला में सबसे पहले अपन शुरू करते हैं. मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट. अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए. तो आयरन, आयरन जो बच्चों यहाँ पे है उस आयरन से अपन फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं क्लोरोफिल का. तो क्लोरोफिल जो है, इस क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के अंदर, क्लोरोफिल के निर्माण के अंदर, इसके जैव संश्लेषण के अंदर अपने को आवश्यकता किसकी होती है? आयरन की आवश्यकता होती है. जिंक, जिंक जो है उस जिंक का योगदान होता है ऑक्सीजन के निर्माण के लिए, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए. और ऑक्सीजन का यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड है. तो जिंक जो है उस जिंक से अपने यहाँ पर फॉर्मेशन किसका करेंगे? इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा प्लांट के अंदर. बोरोन, बोरोन जो है उस बोरोन का यूज होता है पराग कण के अंकुरण के लिए. जब स्टिग्मा के ऊपर पराग कण पहुंचता है तो बोरोन जो है वो हेल्पफुल होता है उस पराग कण के, उस पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए. मैग्नीज, मैग्नीज इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड. जब
वोटर का फोटोलाइसिस होता है थाइलेकोइड के अंदर नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के लिए, तब अपने को यहाँ पर मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि साहब इस तरीके से यहाँ पर जो आयरन है उसका अपन मैच कर देंगे थर्ड के साथ में, तो ए में थर्ड देखो यहाँ पर एक में दे रखा है, बी जो है उसका हो जाएगा आपका फोर, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो आंसर है वो जाएगा फर्स्ट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि साहब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्लीज, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, प्रकाश शोषण में रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होगा। रूबिस्को ऐसा एंजाइम है जो रिएक्शन O2 के साथ भी कर सकता है, जो रिएक्शन CO2 के साथ भी कर सकता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है रूबिस्को एंजाइम उसके साथ क्रिया करता है, ठीक है। तो जब यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रूबिस्को एंजाइम रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। इसे आप लोग क्या बोलते हो, इसे हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे जो RuBP है प्लस ऑक्सीजन और एंजाइम यहां पर कौन सा होगा, एंजाइम यहां पे होगा रूबिस्को। तो रूबिस्को एंजाइम जो है इस RuBP की अगर O2 के साथ रिएक्शन कराए तो साहब देखो यहां पे 5 कार्बन है, ऑक्सीजन के अंदर कार्बन है नहीं, तो फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन होता है 3PGA का प्लस फॉर्मेशन किसका होगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि साहब इन 5 कार्बन में से जो 3 कार्बन है वो कहां चले गए 3PGA के अंदर, और जो 2 कार्बन है वो चले गए फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कंपेटेबल होता है। 1 molecule of 6 carbon compound, नहीं देखो बच्चों यहां पे 6 कार्बन का कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा। 1 molecule of 4 carbon compound and 1 molecule of 2 carbon compound, 2 कार्बन कंपाउंड का बिल्कुल यहां मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन देखिए 4 कार्बन का यहां पे कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा। 2 molecules of 3 carbon compound, 3 कार्बन कंपाउंड के साथ यहां पर एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, न कि यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनेगा। 1 molecule of 3 carbon compound, ये देखो बिल्कुल सही बात है, यहां पे जो 3PGA है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड का यहां पे ओनली 1 मॉलिक्यूल जो है वो ही बनेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि साहब ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन ऑफ रूबिस्को एंजाइम यहां पर एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन कंपाउंड का, सो करेक्ट आंसर विल बी 4th ऑप्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्लीज, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज आर, फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन सा कौन से हैं। तो देखो यहां पर जो एंजाइम है वो अपने पास में कौन सा है, नाइट्रोजिनेज है। एंजाइम यहां पर कौन सा है, दिस इज नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो उस टाइम पर फॉर्मेशन किसका होता है साहब, उस टाइम पर फॉर्मेशन यहां पे होता है एक तो अमोनिया का एंड हाइड्रोजन का। याद करो जब नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो वहां पर अमोनिया के साथ साथ में H2 का फॉर्मेशन भी होता है, यह बाकायदा डायग्राम है NCERT के अंदर। तो यहां पर आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट प्लीज, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म PS1 to NADP+, PS1 to ATP synthetase, PS2 to cytochrome B6F complex, cytochrome B6F complex to PS1। तो देखिए आप यहां पर जैसे जो PS2 है उस PS2 से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं साहब, ये जाते हैं यहाँ पे फियोफाइटिन के अंदर, और फियोफाइटिन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ट्रांसफर कहाँ पे होते हैं, फियोफाइटिन के बाद ट्रांसफर अपने पास होते हैं ये प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन जो है, इस प्लास्टोक्विनोन के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है
वो जाया करते हैं। देखो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोकिनोन से कहाँ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोकिनोन से जाते हैं साइटोक्रोम B6F के अंदर, ठीक है। उसके बाद में कहाँ जाते हैं, उसके बाद जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में, उसके बाद कहाँ जाते हैं PS फर्स्ट में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साहब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोकिनोन से कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम B6F में ये जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया PS2 साइटोक्रोम B6F, थर्ड आंसर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में क्रियाधर स्तर फॉस्फोराइलेशनों की संख्या क्या होती है। तो देखो यहां पर जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसका मतलब किससे है, उसका मतलब यहां पे है क्रेब्स साइकिल से। तो साहब जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल के अंदर अपन कह सकते हैं कि जब यहां पे सक्सिनिल को एंजाइम ए से फॉर्मेशन होगा सक्सिनिक एसिड का, तो उस टाइम पर यहां पर क्या होगा, उस टाइम यहां पे जो जीडीपी है वो जीडीपी रिएक्शन करती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और फॉर्मेशन यहां पे किसका होगा, जीटीपी का होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि साहब जब सक्सिनिक कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तब यहां पे जीटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जो क्रेब्स साइकिल है उस क्रेब्स साइकिल में फॉर्मेशन FADH2 का भी होता है और NADH2 का भी होता है। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि अगर आप सबस्ट्रेट लेवल की बात करो तो सबस्ट्रेट लेवल के अंदर हम लोग NADH2 को काउंट नहीं करते, हम लोग FADH2 को काउंट नहीं करते, बिकॉज उनके लिए ETS की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। GTP जो है उस GTP से ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो बिना ETS के होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, जब सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तभी होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रिंग ऑन सुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सुगर कैन क्रॉप। उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है। तो देखो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो जिब्रेलिक एसिड होता है, ये जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जैसे मान लो यहां पर क्या है स्टेम, इस स्टेम में इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो ये क्या है नोड, ये भी क्या है नोड, और नोड के बीच में क्या है यहां पर ये यहां पे होती है इंटरनोड, दिस इज इंटरनोड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि इंटरनोड जो है इस इंटरनोड की लंबाई को इंक्रीज करता है। जिब्रेलिक एसिड जो है वो इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है, और अगर इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, उससे जो स्टेम है उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, जो तना है उस तने की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब सुगर केन के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जिब्रेलिन का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट प्लीज। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है। तो जैसे अपने पास में इस तरीके से ग्राफ होता है ग्रोथ का, यहां बात करें टाइम की और यहां बात करें हम लोग प्लांट के वेट की। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से अपन बना सकते हैं। यहां पर, यहां पे तीन फेज है इस तरीके से, ये है पहली फेज, ये दूसरी फेज, और ये यहां पे कौन सी है तीसरी फेज। पहली फेज जो है इसका नाम क्या होता है साहब, दिस इज अपन कह सकते हैं लेग फेज, ये लेग फेज है जिसमें ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होती है। उसके बाद नंबर टू यहां पर जो है ये होती है लॉग फेज, दिस इज लॉग फेज। एंड नंबर थ्री, ये जो आप यहां पे फेज देख रहे हो दैट इज स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। तो साहब ये जो यहां पे स्टेशनरी फेज है, इस स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होगा, देखो यहां पे इस तरीके से
ग्रोथ जो है वो क्या हो चुकी है, कॉन्स्टेंट हो चुकी है। देखो फर्स्ट नंबर मतलब जो लेग फेज है, लेग फेज के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ काफी स्लो रेट से हो रही है। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड फेज है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉग फेज, इस लॉग फेज के अंदर ग्रोथ काफी तेजी से होती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो होती है लॉग फेज में। सो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट प्लीज। द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलेटिंग लॉस ऑफ वॉटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज, रात्रि में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है, कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। देखो सीधी सी बात है, अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो लीफ होती है उस लीफ की सरफेस पर वॉटर की कुछ ड्रॉपलेट्स होती है, पत्ती की सतह पर पानी की बूंदे पाई जाती है अर्ली मॉर्निंग, तो वो सब यहां पे क्या होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप नाइट की कंडीशन देखते हो तो नाइट में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होगा कम, ट्रांसपिरेशन कम होगा, और ट्रांसपिरेशन अगर कम होता है या मकों के साथ ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है तो उस टाइम पर जो रूट है वो रूट प्रेशर लगाती है। रूट क्या करती है, ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है कम, रूट जो है वो वॉटर को सक करती है, फिर उस वॉटर को पुश करती है जाइलम के अंदर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, रूट प्रेशर बोलते हो, और रूट प्रेशर के कारण वो जो वहां पे वॉटर है जाइलम में ऊपर की तरफ चढ़ता है, और फिर वो जो वॉटर है वो लीफ में प्रेजेंट जो वॉटर स्टोमेटा है वहां से ऊपर निकल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं गटेशन। तो गटेशन क्यों होता है, गटेशन का जो रीजन है अपने पास में वो क्या है, रूट प्रेशर। एंड रूट प्रेशर डेवलप कब होगा, रूट प्रेशर डेवलप तब होगा जब ट्रांसपिरेशन तो होता है लेस एंड वॉटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हाई। ये यहां पे सीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सबस्टांस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, निम्न में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है। यहां पे आपको निरोधक पदार्थ नहीं है, तो देखो फिनोइक एसिड, पेरास्कोबिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। याद रखना जो यहां पे जिब्रेलिक एसिड होता है, जिब्रेलिक एसिड जो है वो तो सीड की डोरमेंसी को कम करता है, वो तो सीड के जर्मिनेशन को बढ़ाता है कि साहब जो सीड है जो बीज है वो जल्दी अंकुरित हो, वो सीड जल्दी जर्मिनेट हो। तो कहने का मतलब क्या है कि साहब जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो डोरमेंसी पीरियड को कम करता है, सीड की जर्मिनेशन को बढ़ाता है। तो यहां पे कौन सा इनहिबिटरी सबस्टांस नहीं है, आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है ओके। ये बच्चों हमने बात की प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन प्योरली अपन यहां पे कह सकते हैं नीट 2020 के अंदर आए हैं जिनका हमने सॉल्यूशन किया है। थैंक यू। हाँ बच्चों, तो आपका नीट का पेपर अच्छा हुआ होगा, तो आज अपन जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो हैं उन का यहाँ पे अपन लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, है ना। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब है कि जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे डार्विन फिंचेज जो है ये वाला, तो ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नेचुरल हुआ प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी तरफ अपन देखें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड्स जो हैं तो इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद में ड्रग्स रेजिस्टेंस यूकैरियोट्स ऐसे भी डेवलप हुए हैं तो ये भी सही हो जाएगा। ड्रग्स रेजिस्टेंट प्रोकैरियोट्स भी हुए हैं और यूकैरियोट्स भी डेवलप हुए हैं। इसके अलावा मैन क्रिएटेड ब्रिड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जिसमें काफ़ी सारे एनिमल को ह्यूमन ने क्रॉस के थ्रू क्रिएट किया है और उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया है, तो ये भी जो है इसके अंदर इंक्लूड है। तो बी सी डी, तो इसके अंदर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखें एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसप्रूव्ड बाय, है ना। तो अर्नेस्ट हेकल जो थे उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था,
उन्होंने बताया था कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज दूसरे जो एनिमल्स हैं उससे रिलेटेड उनकी अडल्ट स्टेज को भी फॉलो करती है, लेकिन इसको डिसप्रूव किया गया था कार्ल अर्नेस्ट बियर के थ्रू। इन्होंने बताया कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज को फॉलो करती है, ना कि अडल्ट स्टेज को। इसीलिए इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको डिसप्रूव किया था। तो इसमें राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, है ना। तो जो गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है जिससे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर मूवमेंट जो होती है वो स्मूथ हो जाती है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखें कि कॉन्ड्रोसाइट जो है वो कार्टिलेज से रिलेटेड है तो ये भी नहीं होगा। कंपाउंड एपिथेलियल सेल दे रखा है जो कि स्टेटिफाइड होती है, और ये जो गॉबलेट सेल्स है वो सिंपल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्क्वेमस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वो जो है इस टाइप का टास्क नहीं कैरी आउट कर सकती। कोलमनर एपिथेलियम जो है वो इसका मॉडिफिकेशन है जो एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस सिक्रेशन से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा, ना। तो संघ कोर्डेट्स के लिए सही जो कथन है उसको आपको इसमें सर्च करना है। तो पहला देखें, इन यूरोकोर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये जो है सिफेलोकोर्डेट के अंदर होता है, न कि नोटोकॉर्ड के लिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। बी देखें, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ये सही है, बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बदल जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, हाँ, कॉर्डेट्स में उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सली प्रेजेंट होता है और इंटरनली वो होलो होता है। अगर अपन नॉन कॉर्डेट की बात करें तो उसके अंदर ये वेंट्रली होता है और अंदर से सॉलिड होता है, तो इसमें सी भी सही है। डी, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला, हेमिकॉर्डेट ठीक है, लेकिन ट्यूनिकेटा इसी को बोला गया है, सेकेंड जो है वो सिफेलोकॉर्डेट होता है और इसके साथ इसको तीन बताया हुआ है, तो हेमिकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट एंड वर्टिब्रेट आता तब ये सही होता, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो बी और सी जो है वो इसके अंदर सही है, तो बी और सी इसके अंदर दिया, तो सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग डिजीज विथ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखें कि जो टाइफाइड है, साल्मोनेला, न्यूमोनिया, हीमोफिलस, फाइलेरियसिस जो है वो उकेरिया की वजह से, और मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो इसके अंदर आप लोग देखें कि 52 जो आपका क्वेश्चन नंबर है तो इसके अंदर 55, तो इसके अंदर राइट जो मैचिंग है 4 के थ्रू। तो ए में देखें कि ए में थर्ड है, बी के लिए 4 हो गया, सी के लिए फर्स्ट और डी के लिए सेकेंड। नेक्स्ट, By which method a new breed Hisardale of sheep formed by using Bikaneri avis and Merino rams? तो ये NCERT का ही है, तो इसके अंदर आप लोग देखें कि क्रॉस ब्रीडिंग मेथड दे रखा है NCERT के अंदर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने सबने सही किया हुआ इसको। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के दौरान कौन सा जो इवेंट है वो कैरी आउट होता है, तो इसमें देखें कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम सही है, डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन होता है और डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन से डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, तो ये सही है। फिर बी, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी सही है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रेक्शन से जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ उठते हैं, तो ये वाला भी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, डिक्रीज की जगह क्या आएगा, इंक्रीज, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, इन दोनों की वजह से इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज, तो ये वाला भी इसके अंदर गलत हो गया। तो इसके अंदर जो सही है ए और बी के साथ में, तो वो हो जाएगा आपका
थर्ड मैचिंग वाला क्वेश्चन है अगला. ग्रिगेरियस जो पॉलीफेगस पेस्ट है तो वो लोकस्टा के लिए है. अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री, तो ये आपका इकाइनोडर्मेट्स से रिलेटेड है. और यहाँ पे आप लोग देखें इकाइनोडर्मेट्स जो हैं एस्टेरियस, और फिर बुक लंग्स जो है वो स्कॉर्पियोन, और बायोल्यूमिनेसेंस मतलब अंधेरे में लाइट एमिशन जो है वो टीनोफोर. तो 59 के अंदर जो करेक्ट मैच वाला जो हो रहा है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट 64 देखें. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज ए पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन करेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग टेट. तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर आंसर हो जाएगा फर्स्ट. मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें कि कॉलम फर्स्ट में जो ए है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, तो ये जो है साइक्लोस्टोमेट्स के लिए हो जाएगा. हेटेरो सर्कल जो कैडवल फिन्स होते हैं, जिसका मतलब है एक लोब बड़ी होती है और एक लोब जो है वो छोटी होती है, जैसे ये छोटी एक बड़ी है, तो ये हेटेरो सर्कल ये कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर होता है, और ऑस्ट्रिक्थीज के अंदर होमो सर्कल फिन होते हैं. तो हेटेरो सर्कल जो है वो कॉन्ड्रिक्थीज के लिए हो गया. एयर ब्लैडर जो है वो बोनीफिश में है ऑस्ट्रिक्थीज, और पॉइजन स्टिंग्स जो है वो ट्राइगोन. तो 66 जो है उसके अंदर करेक्ट मैच जो है आपका थर्ड ऑप्शन के अंदर हो जाएगा. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के लिए गलत पूछा हुआ है. तो पहला देखें, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स. ये एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्विक नहीं होती है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इसमें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देखिए तो उसमें समय लगता है. तो यही इसके अंदर जो है वो गलत स्टेटमेंट है. बाकी की अगर देखें, फिटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ये सही है. जो मदर्स फिटस से, फिटस को मदर से एंटीबॉडी रिसीव हो रहे हैं तो ये सही है. प्लेसेंटा के थ्रू अगर देखें तो IgG क्रॉस कर सकता है. थर्ड, वेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी सही है. और फिर फोर्थ देखें, वेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी सही है. चलो नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देखें. मैचिंग वाला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग रिप्स जो हैं फ्लावी पेशिया जिसको अपन बोलते हैं, तो ये उरोस्थी से नहीं जुड़ती हैं. एक्रोमियल प्रोसेस जो है वो क्लेविकल से जुड़ता है. स्केपुला जो है अगर उसको देखें तो वो सेकेंड से सेवन्थ रिब्स के एरिया में होती है, और ग्लिनोइड केविटी जो है वो उसके साथ आर्टिकुलेशन होता है हेड ऑफ ह्यूमरस. तो 69 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच हो जाएगा. हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना 71 का ये पोर्शन जो है ये अपन देखते हैं. प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज मेलाइटिस की अगर बात करें तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. और ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने का रीजन क्या हो गया कि एडिपोसाइट जो और हिपेटोसाइट्स जो हैं वहाँ पर अपटेक नहीं हो रहा है ग्लूकोज का, क्लियर. तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और कीटोन बॉडीज जो हैं इनका अमाउंट भी बढ़ जाता है. तो इसको अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो कौन सा चला जाता है, कीटोन्यूरिया कंडीशन आ जाएगी और ग्लाइकोसूरिया कंडीशन आ जाती है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर चला जाएगा. ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पलीफाइड बाई. सिमेट्रिक कैसी है, बायलेटरल, राइट और लेफ्ट हाफ इक्वली हैं, और एसिलोमेट टाइप के एनिमल हैं, ठीक है. सिलोम अब्सेंट है यहाँ पर. एस के हेलिमेंट्स बायलेटरल तो है लेकिन कैसा है, स्यूडोसिलोमेट है, आंसर नहीं जाएगा. ये एनेलिड बायलेटरल तो है लेकिन यूसिलोमेट एनिमल है, ये भी नहीं जाएगा. टीनोफोरेंस की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या बात कर लेंगे, बायलेटरल सिमेट्री नहीं, बाई रेडियल सिमेट्री की बात हो जाएगी और एसिलोमेट की बात यहाँ पर करनी ही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया. तो फिर आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आ जाए.
द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी. इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है. प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है. और जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा के साथ क्या पहुंच जाता है ह्यूमन की बॉडी में. इन्फेक्शियस स्टेज जो पहुंचती है वो क्या कहलाती है. स्पोरोजॉइट कहलाती है. आंसर चला जाएगा फोर्थ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्यूबोइडल एपिथिलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई आर फाउंड इन. ऐसा एपिथिलियम कहाँ पाया जाता है. तो पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है. क्यूबोइडल एपिथिलियम होता है जिसमें ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं. तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा. फर्स्ट चला जाएगा. सेकंड रॉन्ग क्यों है. यू स्टेचियन ट्यूब की अगर बात करें तो कोल्यूमनर सिलिएटेड एपिथिलियम यहाँ पर पाई जाती है. ठीक है. लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी. सिंपल कोल्यूमनर टाइप की हो जाती है. और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो यहाँ भी कोल्यूमनर टाइप की देखी जाती है. ठीक है. तो फिर क्यूबोइडल एपिथिलियम विद ब्रश बॉर्डर ये ऐसा कहाँ देखा जाता है. पीसीटी रीजन में देखा जाएगा. आंसर चला जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. जैसा आपने देखा था कि मैच द फॉलोइंग के जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी में आए हैं इसमें अगर एक इन्फॉर्मेशन आपको बताएं तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहीं अपन बात कर लेते हैं. जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का मैं मैच अगर इनमें से करूँ तो मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के रेस्पेक्ट में हॉर्मोन ले लूँगा. कौन सा. पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी वाला ADH. ठीक है. तो ADH की अगर मैचिंग करवाऊँ तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है. ADH की क्या हो जाएगी. कमी हो जाने के कारण. ठीक है. तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा. A का जाएगा थर्ड. A का थर्ड कहाँ जा रहा है. इन दो में जा रहा है. ओके. अगली बात करें थायरॉयड ग्लैंड की बात कर लूँ तो थायरॉयड ग्लैंड कौन सा हो जाएगा. ग्रेव्स डिजीज चला जाएगा. B का आंसर चला जाएगा फर्स्ट. और B के फर्स्ट की मतलब B का फर्स्ट यहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर वन. इसका आंसर चला जाता है. फिर भी मैच कर लें. एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात करें तो एडिसन डिजीज हो जाती है इसकी वजह से. और पेनक्रियाज की अगर बात करें तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज. ऐसा क्यों होता है. क्योंकि कॉकरोच का नर्व सिस्टम आपने देखा है उसका केवल एक सुप्रा इसोफेजियल गेंग्लिया जो है वो हेड रीजन में डोर्सल साइड की ओर प्रेजेंट होता है. बाकी पारा पूरा पार्ट उसका कहाँ पाया जाता है. थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है. तो कॉकरोच का हेड काट दिए जाने पर वो कुछ दिन तक जिंदा रहता है. इसका कारण क्या है. क्योंकि इसका बहुत ही नर्व सिस्टम का छोटा पार्ट जो है वो हेड रीजन में प्रेजेंट रहता है. तो द हेड होल्ड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्व सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर नर्व सिस्टम कहाँ होगा. वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट हो जाएगा. ठीक है. तो अपना आंसर भी कौन सा चला जाएगा. फर्स्ट चला जाएगा. सेकंड देख लें. द हेड होल्ड 1/3 ऑफ द नर्व सिस्टम. और कहाँ दर्शा रहा है. डोर्सल पार्ट में. अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है वैसे इतना होता नहीं है. ठीक है. लेकिन ये डोर्सल पार्ट बोल रहा है तो गलत हो गया. थर्ड कह रहा है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ कॉकरोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है. सुप्रा इसोफेजियल हेड रीजन की बात होगी. एब्डोमेन में नहीं आएगा. कॉकरोच डज नॉट हैव द नर्व सिस्टम. ऐसा नहीं है भैया. नर्व सिस्टम पाया जाता है. ठीक है. गैंग्लियन के साथ में. नेक्स्ट आ जाएं. फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. अगर इनकी मैं बात करूं तो पेंगुइन किसे बिलोंग कर रहा है. एविस से. डॉल्फिन किसे बिलोंग कर रही है. मैमल से. दोनों का ओरिजिन क्या है. अलग अलग. लेकिन हैबिटेट क्या है. दोनों की आवास क्या है. सेम है. एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं. और इनके अंदर जो फ्लिपर्स पाए जाते हैं इन फ्लिपर्स का फंक्शन क्या कहलाता है. स्विमिंग में हेल्प करता है. तो ओरिजिन क्या हो गया. अलग अलग. लेकिन फंक्शन क्या हो गया. सेम. और क्यों हो गया सेम फंक्शन. सेम हैबिटेट होने के कारण ऐसे ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं. और इस प्रकार के इवोल्यूशन को क्या कहा जाता है. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो आंसर कौन सा चला जाएगा. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. QRS कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट. तो PQRS की बात हुई थी. P किसको डिनोट करता है. एट्रियल डिपोलराइजेशन को. QRS किसको डिनोट करता है. वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को. तो आंसर कौन सा चला जाएगा. डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए. सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है. ह्यूमन हेल्थ से आया हुआ क्वेश्चन है ये. ठीक है. तो मलेरिया की वजह से रॉन्ग हो गया. कैंसर की वजह से रॉन्ग हो गया. और इधर अगर बात करें गोनोरिया साइफिलिस जेनिटल हर्पीस तीनों ही कैसी हैं. सेक्सुअली STD हैं. गोनोरिया यहाँ पर मलेरिया आ गया. ये रॉन्ग हो जाएगा. तो आंसर कौन सा चला गया बच्चों. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन I दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप. ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जो तीन एलीन हैं IA, IB और I0. IA और IB जो है स्लाइटली डिफर टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस करती हैं. I0 किसी भी शुगर का प्रोडक्शन नहीं करती है. तो आप देखें अपने को क्या खोजना है. रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है. व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर.
सेम टाइप नहीं, स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, तो सेम टाइप ऑफ शुगर के कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। रॉन्ग ही पूछा, आंसर कौन सा चला गया, फर्स्ट चला गया। फिर भी बाकी के देख लें, एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई शुगर का प्रोडक्शन नहीं करती है। जीन आई हैज थ्री एलील, आई ए, आई बी और आई जीरो, बिल्कुल ठीक बात है। ए पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ द थ्री एलील, अपन जानते हैं मल्टीपल एलील के केस में पॉपुलेशन स्टडी जब करेंगे तो एक इंडिविजुअल में जो मल्टीपल एलील का केस है उसमें केवल मैक्सिमम दो ही एलील जो है वो प्रेजेंट होती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, तो 86 का आंसर चला जाएगा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, क्वेश्चन नंबर 88, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इनको अगर अपन मैच करें तो मैंने कहा था एक ऑप्शन भी आपको पता है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को मैं मैच कर दूं किससे, बेसिलर मेम्ब्रेन से, बेसिलर मेम्ब्रेन पर ये पाई जाती है। ए का जाएगा फोर्थ, ए के फोर्थ की अगर बात करें तो ए का फोर्थ कहाँ आ रहा है, ए का फोर्थ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नंबर दो ऑप्शन कहाँ है, ए का वन है, ए का सेकेंड है, और यहाँ पर डी में क्या हो जाएगा, ए का ये हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, थर्ड दिया हुआ है तो ए का फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन ऐसा बन रहा है, बाकी मैच कर लें। कोकलिया की अगर बात करें तो कोकलिया कौन सा हो जाएगा, कोइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ कहलाता है, बिल्कुल ठीक बात है। यू स्टेचन ट्यूब की अगर बात करूं तो मिडल ईयर को किससे कनेक्ट करता है, फेरिंग से कनेक्ट करता है, अरे ईयर की स्ट्रक्चर याद है ना। और स्टेपिज की अगर बात करें तो किससे अटैच्ड रहती है, ओवल शेप्ड विंडो से, स्मॉलेस्ट ईयर ओसिकल भी कहलाती है। ओके, तो आंसर चला जाएगा फर्स्ट। ओके बच्चों, तो ये था हमारा जूलॉजी का पोर्शन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऋषिराज सर के द्वारा आपको करवाया गया, उसके बाद यतेंद्र सर के द्वारा करवाया गया, और लास्ट पोर्शन जो है वो मेरे द्वारा करवाया गया। मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, लास्ट में बता देता हूँ, माई सेल्फ सुनील सोरान, ठीक है, मैं जूलॉजी फैकल्टी हूँ कहाँ पे, CLC सीकर। ओके बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, और होप करते हैं कि नो डाउट आपका जो है मार्क्स कट ऑफ को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो हैं इस साल गवर्नमेंट मेडिकल सीट पर जो हैं वो MBBS के लिए सेलेक्ट हो जाएं। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी, CLC सीकर। तो जो नीट 2020 का पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलर एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकोस के शैवालों का है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, अपन अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किंगडम मोनेरा होता है उसको यूनिसेलर काउंट करते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है बट वो यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देन प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर ऑल यूनिसेलर यूकेरियोट्स को रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। क्लोरेला रिलेटेड टू ग्रीन एल्गी बट यूनिसेलर एल्गी, सो नाउ इट इंक्लूड इन किंगडम प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड हियर स्पायरुलिना, स्पायरुलिना इज BGA, इट मीन इट इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा बट इट ऑल्सो हैव यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नाइन, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विथ इन द अदर। तो क्वेश्चन बेटा, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां दिया है, वन विथ इन द अदर। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ऑप्शन यहां पे पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, तो एंथर, एंथर में पोलन ग्रेन, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि एंथर में एंथर वॉल्स जो होती हैं, एंथर वॉल्स और एंथर वॉल प्लॉइडी टू एन, इट मीन स्पोरोफिटिक टिश्यू होती है, बीजाणुद्भिद उत्तक होता है, स्पोरोफिटिक बीजाणुद्भिद टू एन। और इनसाइड जब स्पोर जीनस टिश्यू में जब PMC पोलन मदर सेल बनती है और स्पोरिक मियोसिस में जाती है, अंडरगो स्पोरिक मियोसिस, तो फर्दर आप समझ सकते हैं कि ईच PMC अंडरगो स्पोरिक मियोसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लोइड स्पोर माइक्रोस्पोर, एंड देन माइक्रोस्पोर कन्वर्ट इनटू मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन। यस, तो वहां पे जो पोलन ग्रेन है उसका प्लॉइडी एन हैप्लोइड होगा और वो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट इसमें आप समझ सकते हैं ऑप्शन ए हो गया। देन सेकंड, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट, तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों मेल गैमेट की जो प्लॉइडी है वो हैप्लोइडी होगी,
क्लियर, तो बी नहीं होगा। थर्ड, सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि सीड ऑल्सो हैव डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टिश्यू एंड फ्रूट ऑल्सो स्पोरोफिटिक, क्लियर, तो ये नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, हाँ तो ओव्यूल में इनसाइड जो एम्ब्रियो सैक है, तो ओव्यूल में जो न्यूसेलस टिश्यू होता है, ओव्यूल का प्लॉयडी 2n है, यानी वो स्पोरोफिटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफिटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करेगा या स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो एम्ब्रियो सैक है इनसाइड, एम्ब्रियो सैक वो हैप्लोइड मेगास्पोर से डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो सैक हैप्लोइड यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन को, क्लियर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, तो ए और डी, तो आंसर आंसर विल बी सेकेंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रोबिलाई और कॉर्न आर फाउंड इन, स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक स्टार्ट हो गया था, आप समझ टेरिडोफाइटा से, तो टेरिडोफाइटा का जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, बीजाणुविद होता है, और प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट इंटू वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीव्स, पादप शरीर जड़ तना पत्ती में बटा होता है। आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ, जब कायिक वृद्धि हो जाती है, उसके बाद जैसे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वहाँ स्टार्ट होती है, तो स्पोरोफिल्स आती है वहाँ, रिप्रोडक्टिव लीव्स स्पोरोफिल्स, और द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ स्पोरोफिल्स नोन एज स्ट्रोबिलाई। तो यहाँ स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में होगा, मार्केंसिया, ब्रायोफाइट से रिलेटेड है, नहीं होगा, इक्विसेटम में हो जाएगा, साल्विनिया में नहीं होगा, और टेरिस में नहीं होगा, क्योंकि जो फॉरन होते हैं वहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कि टेरिडोफाइट्स में जो लोअर टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो लोअर टेरिडोफाइट्स में जो वेजिटेटिव ग्रीन लीव्स होती है ट्रोफोफिल्स एंड रिप्रोडक्टिव लीव्स स्पोरोफिल्स का क्लियर डिफ्रेंशिएशन होता है, ट्रोफोफिल्स अलग होती है, स्पोरोफिल्स अलग होती हैं, और वहाँ इक्विसिटम में एनसीआरटी में आपको डायग्राम के अंदर इक्विसिटम पे स्ट्रोबिलस को रिप्रेजेंट कर रखा है, स्ट्रोबिलस को दिखा रखा है, क्लियर, क्योंकि वहाँ स्पोरोफिल्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म स्ट्रोबिलस है, बल्कि आप कहते हैं जो हायर टेरिडोफाइट्स हैं इट मीन फॉरन, तो फॉरन में ट्रोफोफिल्स वेजिटेटिव लीव्स और स्पोरोफिल्स जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है उनका क्लियर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, क्लियर, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथिन द फ्यूनिकल एट, बीजांड का पिंड बीजांड वर्ण से कहां पर संलयित होता है, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज न्यूसेलस एंड दीज आर प्रोटेक्टिव लेयर इंटीग्रमेंट्स, तो आप समझ सकते हैं द मैन बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच होता है, वो पार्ट ऑफ का होता है हाइलम, ये सीधा आपका एनसीआरटी का लाइन है हाइलम, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को आप क्या कहते हैं, क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहें कि वो रूट जो रेडिकल से इनिशिएट होती है, रेडिकल रूट फॉर्म करता है बाय द इनिशिएशन या इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट एंड फाइनली प्राइमरी रूट ग्रो इनसाइड द सोयल एंड द टर्सरी रूट्स, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स आर फाउंड, देन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम नोन एज टैप रूट सिस्टम। बट यहाँ पर आपको क्या करेगा बेटा, द रूट दैट आर ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, तने के आधार से, इट मीन बिसाइड द रेडिकल के अलावा, और आप जानते हो जब रेडिकल से प्राइमरी रूट फॉर्म हो और वो शॉर्ट लिव्ड हो और स्टेम के बेस से ये रूट्स यहाँ पर ओरिजिनेट हो स्टेम के बेस से, जो एडवेंटिस टाइप रूट्स हैं, तो ये आपका होगा फाइब्रस रूट सिस्टम, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड, विरोइड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दे हैव डीएनए विथ प्रोटीन कोट, रॉन्ग हो जाएगा, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, रॉन्ग, दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोट, रॉन्ग हो जाएगा, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये करेक्ट है, क्योंकि वायरॉइड क्या है बेटा, फ्री
फ्री SSRNA, यानी फ्री सिंगल स्टैंडर्ड RNA है जिसका मोलिकुलर वेट भी जो जनरली RNA होता है उससे लो होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है और फ्री SSRNA होता हो, क्लियर? तो यहां पर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट सो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं, यानी कुछ फीचर्स आपको दिए गए हैं बेटा जो इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करता है. आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल सीथ, तो अधिक संख्या में बिखरे हुए सवन बंडल जो पुला छत से घिरे होते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं कौन जॉइंट कोलेटरल क्लोज और कौन जॉइंट कोलेटरल क्लोज वैस्कुलर बंडल और स्कैटर्ड फॉर्म में, जिसमें पेरिफेरल रीजन के स्मॉल होते हैं और सेंट्रल रीजन के क्या होते हैं लार्ज होते हैं, तो मोनोकोट स्टेम में होता है ए ऑप्शन. लार्ज बी ऑप्शन देखें, लार्ज कॉन्स्टिक्स पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू स्पष्ट बहुत मर्दुत की भ्रण उत्तक, क्योंकि स्टेम मोनोकोट स्टेम के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है GTS इज नॉट डिफ्रेंशिएट, इट कंसिस्ट मैनी लेयर ऑफ पेरेनकाइमा. तो आप ये भी किसको सपोर्ट करता है, मोनोकोट स्टेम को करता है. और वैस्कुलर बंडल कौन जॉइंट एंड क्लोज्ड, तो संयुक्त और एवर्धी, तो कौन जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल और वो वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल सीथ, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है मोनोकोट स्टेम को. और फ्लोएम पेरेनकाइमा ऑल्सो एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, ये फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम में. आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द प्लांट एंड इट्स पार्ट, तो इसका मीन ये कौन सा पार्ट है, मोनोकोट है और मोनोकोट स्टेम है इसमें, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 3. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को आपको चुनना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और ये अपेक्षाकृत हल्के रंग का होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप पता है बेटा कि इनर मोस्ट जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो हार्टवुड होता है, डार्क कलर्ड होता है, और उसके पेरिफेरल रीजन में ये लाइट कलर्ड सैपवुड होता है जो फंक्शनल है सैपवुड. यहाँ वाटर का अमाउंट 70-75% है और यहाँ 10% तक वाटर हार्टवुड में, ये फंक्शनल है ये नॉन फंक्शनल है, क्लियर? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पहला कथन गलत है. सेकंड देखिए, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल हार्टवुड इज डार्क इन कलर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्लियर? थर्ड, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ तो नॉन फंक्शनल है हार्टवुड और आप समझ सकते हैं कि वो कंडक्शन में पार्ट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ टैनिन रेजिन का डिपोजिशन हो जाता है और वो 100% डेड है, तो आप समझे हार्टवुड मैकेनिकल सपोर्ट में पार्ट करता है, कंडक्शन में पार्ट नहीं करता है. तो हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट करेक्ट है. सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीफ, तो ये करेक्ट है. फोर्थ, यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 37, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन मंड की संरचना किसके समान होती है, तो देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी और फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, क्योंकि प्रिमिटिव कार्बोहाइड्रेट है और एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4. क्वेश्चन नंबर 73, रे फ्लोरेट हैव अर पुष्पक में क्या होता है, हाइपोगाइनस ओवरी हाफ इन्फीरियर इन्फीरियर और सुपीरियर, तो आप समझ सकते हैं कि जो रे फ्लोरेट होते हैं वहाँ एपीगाइनस कंडीशन होती है, गाइनोसियम की एपीगाइनस कंडीशन. एपीगाइनस कंडीशन का मीन होता है अधी जाएंगी, इट मीन ओवरीज इन्फीरियर, ओवरीज इन्फीरियर, ओवरीज इन्फीरियर एंड ऑल आर सुपीरियर, जो ऑल फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सुपीरियर कंडीशन रखते हैं और ओवरीज इन्फीरियर. अब ये कंडीशन कहाँ होती है, ये कंडीशन आप जानते हो कि गवाओं में होती है, ये कंडीशन गॉड्स में जो पम्पकिन है कुकुम्बर है
और ये रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में इन्फीरियर ओवरी होती है, इन्फीरियर ओवरी इन एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस कंडीशन जो एनसेट में दे रखी है, तो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस। तो देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी की आपकी लाइन है, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? विंड एंड वाटर नहीं होगा, इंसेक्ट एंड वाटर नहीं होगा, इंसेक्ट और विंड ये करेक्ट है। क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि जो हाइड्रोफिली है, वाटर पोलिनेटेड प्लांट, जनरली हाइड्रोफिली रेयर इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में रेयर है, अबाउट 30 जेनेरा ऑफ मोनोकोटिलेडन ग्रासेज, सी ग्रासेज में जो वेलेसनेरिया है, सिरेटोफाइलम है, हाइड्रिला है, उन्हीं में होता है। सभी एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो वाटर हाइसिंथ है, आइकोर्निया है वो, आइकोर्निया, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इसमें इंसेक्ट और विंड पोलिनेशन होता है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। तो इसके आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि देखो ओवरी हाफ इन्फीरियर किसमें, किस कंडीशन में होती है? पेरीगाइनस, पेरीगाइनस परिजायंगी। तो परिजायंगी में ओवरी हाफ इन्फीरियर और अदर फ्लोरल पार्ट आर हाफ सुपीरियर। और यहां पर ने ट्रिक बताई थी आपको कि पीपीआर, पीपीआर को पेरीगाइनस से मिला दो, पीपीआर बोले तो प्लम पीच रोज, तो प्लम पीच रोज में कौन सी कंडीशन होती है? पेरीगाइनस। और पेरीगाइनस कंडीशन में ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी आप देखिए सनफ्लावर, तो सनफ्लावर में जो रे फ्लोरेट होते हैं वहाँ एपिगाइनस इन्फीरियर ओवरी होती है, ब्रिंजल और मस्टर्ड यहाँ पर सुपीरियर ओवरी होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, अधोजायंगी स्थिति होती है, इसलिए आंसर क्या होगा? सेकेंड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम एम बलडोदिया, नीट 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी का पोर्शन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंक्लूजन बॉडीज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज के रेफरेंस में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा गया है। देखिए आप ये जानते हैं इंक्लूजन बॉडी जो है वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में फ्री फॉर्म में लाई करता है। एनसीईआरटी में आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जहां दिया है वहां मेंशन कर रखा है, आपको पता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, गैस वैक्यूल्स हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं, ये सब इंक्लूजन बॉडीज में काउंट होते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। हमें इनकरेक्ट रेफरेंस पूछा गया है, फिर दिया है दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटीरियल इन साइटोप्लाज्म, डेफिनेटली द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दीज इंक्लूजन बॉडीज इज द स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटीरियल इन साइटोप्लाज्म। फिर लिखा है दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, किसी भी मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड नहीं होते हैं, बेसिकली दे आर द वेसिकल्स, दे कंटेन द रिजर्व मटीरियल। और लास्ट में लिखा है दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स के इंजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ स्टेटमेंट 4 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर विल बी द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 इकोलॉजी से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड जो सब्सटेंसेज है उनके इमिशन को इंटरनेशनली ग्लोबली प्रिवेंट करने के लिए साइन किया गया था। और आपको ये आइडिया होगा अभी अगले 2 दिन बाद 16 सितंबर आने वाला जो है वो ओजोन लेयर डे होगा। 16 सितंबर 1987 को ये साइन किया गया और 1989 में ये इफेक्टिवली लागू किया गया था। अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? फर्स्ट लिखा है रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका एक्जैक्टली ओजोन लेयर डिप्लीशन से सीधा कनेक्शन है, बट एक्जैक्टली ग्रीन हाउस गैसेज के रिलीज और उसके इमिशन से रिलेटेड इस तरीके का कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन 1987 में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ये वियना कन्वेंशन था जो 16 सितंबर 1987 को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह रहे हैं। डिस्पोजल ई वेस्ट लिखा है, कोई कंसर्न इसका नहीं है। फिर लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओज, जीएमओज इस पूरे कंसर्न रेफरेंस से टोटली डिफरेंट है। और लास्ट में लिखा है इमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन। हाँ, इन पदार्थों के उत्सर्जन को वैश्विक स्तर पर कम किया जाए, उसके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल असाइनमेंट लिया
और जो मिटिगेटिंग एफर्ट्स थे उनमें ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेज के यूजेज को कम करने के लिए जो है वो अपना एग्रीमेंट दिया. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर विल बी द 4. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी इकोलॉजी से है. अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी इज अबाउट. देखिए, हमें एनसीईआरटी में 2-3 डेटा पढ़ने को मिलते हैं ग्लोबल डायवर्सिटी के. जो डायवर्सिटी है टैक्सोनॉमी डायवर्सिटी का जो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का 11th का है, वहां हमें लिख के दिया है 1.5 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज. ये जो है वो डिस्कवर और इन्वेंटेड है, डिस्कवर्ड है, इन्वेंटेड है. फिर अगर हम बात करें तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जो चैप्टर इकोलॉजी का है, वहां रॉबर्ट मे का एक साउंड साइंटिफिक एस्टिमेशन दे रखा है. उसके अकॉर्डिंग द नंबर मे और अप टू द 7 मिलियन जो स्पीसीज हैं, वहां एक एनालिसिस किया गया है. 1.5 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड है और 7 मिलियन तक स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं. एक जनरल आइडिया भी वहां लिखा गया है जो नॉन साइंटिफिक है, और वो कह रहा है 25 टू 50 मिलियन ये हो सकती हैं. तो जो ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी है रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन और आंकलन के अकॉर्डिंग ये 7 मिलियंस होंगी. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 द करेक्ट आंसर विल बी द 2. सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जीवन फेज. जीवन फेज के लिए पूछा गया है. तो देखिए, सेल साइकिल स्टूडेंट्स आप जानते हैं, ये जीवन फेज, उसके ठीक बाद आप जानते हैं एस फेज, जी टू फेज, देन एम फेज. क्लियर? और इसी के साथ आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस. तो एक सेल जब डिविजन में जाती है या डिवाइड होती है, तो जीवन फेज में आप स्टेटमेंट इसके लिए पढ़ें. ये कह रहा है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डीएनए. क्लियर है? सही बात है. यहां जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है उसको इंक्रीज करती है, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन करती है, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स जो है उनको सिंथेसाइज करती है. एस फेज स्पेसिफिकली डीएनए रेप्लीकेशन करती है. आपको पता है डीएनए रेप्लीकेशन और क्रोमोजोमल डुप्लीकेशन एस फेज से कॉरिलेट करता है, इसको सिंथेटिक फेज हम बोलते हैं. इसके अलावा आप कहेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन, सॉरी, इसके अलावा आप कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस यहाँ होता है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है. जी टू में अगर आप बात करें तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. तो ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस जीवन एस और जी टू तीनों में है. स्पेसिफिकली एस फेज डीएनए रेप्लीकेशन करता है, हमें पूछा गया. तो पहला ही स्टेटमेंट इसके लिए सही हो जाता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डीएनए, क्योंकि डीएनए का रेप्लीकेशन जो है वो एस फेज में होता है. फिर लिखा है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब एक्जेक्टली जो क्रोमोजोमल कंटेंट सेल का था, जेनेटिक मटीरियल था, उसका डिवीजन. और ये डिवीजन का प्रोसेस एम फेज में होता है. फिर लिखा है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लीकेशन टेक्स प्लेस, इसके लिए आपने अभी डिस्कस कर लिया, एस फेज में ये होगा. और फिर लिखा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कॉम्पोनेंट्स टेक्स प्लेस. रीऑर्गेनाइज सेल जब करेगी, जब डिवाइड होने के बाद में जो है वो फाइनली डॉटर प्रोजेनी क्रिएट करेगी. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 28 द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट. नेक्स्ट प्लीज. अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इकोलॉजी से है. स्नो ब्लाइंडनेस पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है. ये एंटार्क्टिक रीजन जो है, यहां एंटार्क्टिक रीजन पर स्नो ब्लाइंडनेस का रेफरेंस देते हुए आपसे पूछा है कि ये किसका इंपैक्ट है, कैसे हो सकता है. तो देखिए, ग्लोबली अगर हम इसको डिस्कस करें, इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप ये देख सकते हैं. ये कह रहा है स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, ठीक है. तो देखिए, आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में से ओजोन लेयर डिप्लीशन और यूवी रेडिएशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां आएगा, तो हम ये कह पाएंगे जो नॉर्दर्न कैप्रिकॉर्न है अर्थ का, यहां कंपैरेटिवली डायवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द साउदर्न. तो लिटिल बिट टेम्परेचर की जो कंडीशन है या जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो आप ये कह सकते हैं नॉर्दर्न जोन में हाई होती है. तो साउदर्न जोन जो होगा वो एग्जैक्टली ओजोन लेयर डिप्लीटिंग कंडीशंस के लिए मोर फेवरेबल होगा. मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, बट इसके कंपेरेटिवली आप ये कह सकते हैं ये ज्यादा फेवरेबल होगा. और ये जो स्नो ब्लाइंडनेस है ये एग्जैक्टली यूवी रेडिएशन का इंपैक्ट है. आप जानते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए, बी और सी है, इनमें से एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है मोस्ट ऑफ यूवी बी एंड सी आर एब्जॉर्ब बाय द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर. क्लियर? वो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर जो है वो ओजोन लेयर है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो मैक्सिमली हमें हार्म कर सकती है. और जो यूवी ए है जो लीस्ट हार्मफुल है वो अर्थ सर्फेस तक पेनिट्रेट करती है. तो हम ये कह सकते हैं स्नो ब्लाइंडनेस जो एंटार्क्टिक रीजन में हो रहा है या एंटार्क्टिक रीजन में जिसका मैक्सिमम इंपैक्ट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो नॉर्दर्न कैप्रिकॉर्न के बजाय साउदर्न कैप्रिकॉर्न में स्टूडेंट्स मोर फेवरेबल हैं, ज्यादा फेवरेबल हैं. तो इसमें सीधा हम आंसर पे जा सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द कोरोना ड्यू टू द हाई डोज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी. क्लियर? सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 33 विल बी द 4. नेक्स्ट प्लीज.
सम डिवाइडिंग सेल्स, क्वेश्चन नंबर 34 सेल बायोलॉजी से है, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल. देखिए पहला एक रेफरेंस हमें यहां दिया है कंसेप्ट के लिए, एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव हो जाता है. दिस कॉल्ड क्वेशेंट स्टेज, ये क्वेशेंट स्टेज कह रहा है जिसको जी नोट लिखा है. दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, क्लियर. ये बायोलॉजी के पेपर का सबसे ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है जिसपे कई अलग अलग आंसर दिए जा रहे हैं. हम थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बाकी तो एनटीए पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली आंसर क्या हो. देखिए हम ये कह सकते हैं ये फेज हमारे पास जीवन, जिसमें सेल ने डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया, उसके बाद एस, उसके बाद आप कह रहे हैं जी टू, और उसके बाद आपके पास ये एम फेज, क्लियर. देन आप कह सकते हैं सेल जो है वो बहुत क्लियर आपको लिख के दे रहा है डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, इसका मतलब सेल साइकिल को छोड़ देती है, हमने कहा जी नोट. अब ये जो जी नोट है, ये जी नोट एक तरीके से रेस्टिंग फेज है, क्लियर स्टूडेंट्स. ये जो रेस्टिंग फेज है, इस रेस्टिंग फेज के दो डिफरेंट फॉर्म्स आप देख सकते हैं. एक आप कहेंगे रिवर्सिबल होता है, रेस्टिंग फेज से सेल रिवर्स कर सकती है, और दूसरा स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये इररिवर्सिबल हो सकता है. जो इररिवर्सिबल है, इस इररिवर्सिबल को हम कहते हैं सेनेसेंट फेज, जिसमें सेल डिवीजन में फर्दर एंटर कभी नहीं करेगी, और जो रिवर्सिबल फेज है उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन्ट, जो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है. अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में पकड़ने वाली है वो ये है, दिस प्रोसेस, तो प्रोसेस एम हो सकता है, प्रोसेस जी टू भी हो सकता है, प्रोसेस एस भी हो सकता है, अकर्स एट द एंड ऑफ, किसके अंत में, किसके आखिर में यह प्रोसेस हो सकता है. तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज में देख पा रहा हूं, इसमें कह रहा है अकर्स एट द एंड ऑफ, किसके अंत में हो सकता है. तो हम ये कह सकते हैं जैसे ही एम फेज कंप्लीट हुआ, सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चली गई, और रेस्टिंग में मैंने आपको जैसे डिस्कस किया रिवर्सिबल और इवर्सिबल दो फॉर्म्स हैं, तो ये इरिवर्सिबल सेनेसेंट है, उससे यहां कोई मतलब नहीं है, हमें यहां क्वेश्चन दे रखा है, तो जो रिवर्सिबल क्वेश्चन है उसमें सेल एंटर कर जाएगी. अब अगर हम जीवन के बारे में थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, तो देखिए जीवन में जब सेल एंटर कर गई और जीवन में अपना एक्टिविटी सेल कर लेती है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं फिर इस पे जाता हूं, एट द एंड ऑफ जीवन, जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ मैं जीवन को कनेक्ट करता हूं, आफ्टर एंड ऑफ जीवन दैट सेल विल एंटर इन द एस, क्लियर. तो ये सेल साइकिल को जो है वो एग्जिट उस टाइम नहीं कर सकती, इसलिए कंसेप्चुअली और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो मोस्ट परफेक्ट आंसर हमें यहां लगता है जो है वो होगा एम फेज, क्लियर. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 द करेक्ट आंसर विल बी द 3. नेक्स्ट प्लीज. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है. तो देखिए हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी आपसे पूछी गई है, आप ये जानते हैं द अर्थ, द लंग्स ऑफ द अर्थ कहे जाते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है. दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो एक टाइम में होल्ड करता था 14% टोटल लैंड एरिया का था, लेकिन सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए और जो बीफ कैटल्स उनके लिए ग्रेजिंग फील्ड्स तैयार करने के लिए इसको डिस्ट्रॉय किया जाता रहा लगातार, और आप ये कह सकते हैं अबाउट 6% टोटल जो टेरेस्ट्रियल लैंड हैबिटेट और लैंड हैबिटेट है उसका अब तक ये बचा है. मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी यही है. एनसीईआरटी इस स्पीसीज डाइवर्सिटी, यहाँ की स्पीसीज डाइवर्सिटी के डेटाज भी स्टूडेंट्स आपको देती है, जिसमें आप पढ़ते हैं 40,000 प्लांट स्पीसीज वहाँ हैं, इसके अलावा 3,000 बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, मैमल्स और जो एम्फीबियंस हैं 427 उनका नंबर दे रखा है, 398 रेप्टाइल्स हैं, 125,000 इंसेक्ट स्पीसीज दे रखा है. तो सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट कर रही है वो आप कह सकते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट या अमेजन फॉरेस्ट है. हालांकि हिमालय रीजन इंडिया का भी आप जानते हैं हॉटस्पॉट ये है, वेस्टर्न घाट हाई डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी रिच रीजन है, मेडागास्कर भी डाइवर्सिटी रिच रीजन है, बट द मोस्ट डाइवर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी विल बी द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट. सो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा सेकंड. नेक्स्ट प्लीज. अगला क्वेश्चन आपका फेरिकोलॉजी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन. स्टूडेंट्स पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स आपने पढ़े हैं, कोई भी पॉपुलेशन जो है वो अपना डेथ रेट शो करती है, ठीक है. आपने पढ़ा dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर टाइम में b माइनस d का जो डिफरेंस है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज को बताता है. तो जो b है वो बर्थ होगा और d जो है वो डेथ होगा. तो डेफिनेटली किसी एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट डेथ रेट होता है, जिसको मॉर्टिलिटी हम कहते हैं. इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया नेटेलिटी जो बर्थ रेट होता है ये भी डेफिनेटली होगा. फिर कह रहा है सेक्स रेशियो, ये डेफिनेटली किसी एक
पॉपुलेशन में मेल और फीमेल के प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है, और डेफिनेटली मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन होगा तभी आप ये कह सकते हैं किसी पॉपुलेशन का अपना बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहां लिखा है स्पीसीज इंटरेक्शन। अब देखिए ऐसा है, स्पीसीज इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉपुलेशन में हो नहीं सकता, इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन जो वर्ड स्पीसीज है इंडिविजुअल के लिए भी हम बात करते हैं, किसी एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल उसके लिए भी हम बात करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए भी हम ये बात करते हैं। यहां अगर इंटरेक्शन होते हैं तो वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन ही होंगे, बट दिस इंटरेक्शन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर और नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर? सो मॉर्टिलिटी, सेक्स रेशियो और नेटिलिटी यहां एट्रीब्यूट होंगे, और जो स्पीसीज इंटरेक्शन है वो यहां एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट प्लीज। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन फेरिकोलॉजी से है। इन रिलेशन टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी हमें लिख के दे रहा है, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये स्टूडेंट्स एनपीपी है, ऑफ एन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां से पता करना है इन रिलेशन टू द जीपीपी एंड एनपीपी। तो देखो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं जीपीपी जो है ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। इस जीपीपी में से जो आर है दैट इज द मेटाबॉलिक यूज और द रेस्पिरेटरी यूज, इसको रेस्पिरेटरी लॉस भी लिख देते हैं, ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एनपीपी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। आप किसी भी अगर इकोसिस्टम में देखेंगे तो आप ये कहेंगे जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है जहां प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। स्टूडेंट सोलर रेडिएशन को ये प्लांट्स ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑलवेज जीपीपी को बनाएंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये बनाते हैं। अब इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अपने मेटाबॉलिक यूज के लिए जो ये कंज्यूम करते हैं या अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो ये कंज्यूम करते हैं वो आर है, तो ऑब्वियस है इस जीपीपी में से आर हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया एनपीपी। ये एनपीपी क्या है आप ये कहेंगे, द स्टोरेज बायोमास एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और द ट्रांसफरेबल बायोमास टू द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो ट्रांसफर हो सकता है इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, जो स्टोरेज में रह सकता है वो एनपीपी है। इसका मतलब एग्जैक्टली सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस में वो जीपीपी होगा जो बनी है। सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करते हुए प्लांट्स ने जो प्रोड्यूस किया वो जीपीपी है, अपने आप को मेंटेन करने के बाद में बाकी के ऑर्गेनिज्म के लिए जो छोड़ दिया, मतलब अगले ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज्म के लिए जो छोड़ दिया वो एनपीपी है। अब स्टेटमेंट्स यहां पढ़ लेते हैं, ये कह रहा है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। गलत बात है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, जीपीपी से ही एनपीपी आती है, ये फैक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी यूज को जैसे ही आपने माइनस किया तो आपके पास एनपीपी आ गया, तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि इनमें दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर लिखा है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये उल्टा लिखा है स्टूडेंट्स। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उससे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगी। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट हमें दिया गया है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं जीपीपी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगी देन एनपीपी, क्योंकि आर का वैल्यू ऑलमोस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए 20% होता है, तो जितना बनता है उसमें से 20% कम आप कर देंगे तो 80% वैल्यू जो है वो एनपीपी की होती है। ये 100% है, ये सिर्फ 80% है। क्लियर? सो यहां करेक्ट आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 का स्टूडेंट्स आ जाएगा फोर। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। फिर देखिए ये भी इकोलॉजी से क्वेश्चन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको दे रखे हैं निकोटीन, स्ट्रैकिनिन, कैफीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर। देखिए हमने कई बार डिस्कस किया क्लासेज में, प्लांट्स जो हैं उनको प्रीडेट करते हैं एनिमल्स, हर्बीवोर्स जो हैं। जब हर्बीवोर्स उनको प्रीडेट करते हैं तो प्लांट्स जो है वो मूवेबल नहीं है बेसिकली, तो प्लांट्स ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया, और प्लांट्स ने क्या किया, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए। प्लांट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस कोज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा केमिकल डिफेंस जनरेट कर लेते हैं। तो प्लांट्स ने जो है वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए या उनका सिंथेसिस अपने आप में किया जिससे अपने प्रीडेटर से अपने आप को वो प्रिवेंट कर सकें। ये स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो है वो आपको जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में प्रीडेशन लिखा है उस प्रीडेशन की एक्टिविटी में मिलेगा, और प्रीडेशन में भी वहां आपको एक्सप्लेन करके दिया है जहां वो कह रहा है प्रीडेशन जो प्रीडेटर्स हैं उनके अगेंस्ट प्रे स्पीसीज कैसे अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेती हैं। हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो निकोटीन, स्ट्राइकिनिन और कैफीन ये सब जो है वो हम
एक्सप्लोइट करते हैं, हम प्लांट से लेते हैं और उनको यूज कर रहे हैं, हम कमर्शियल यूज भी कर रहे हैं। प्लांट्स ने हमारे लिए जनरेट नहीं किए थे ये, प्लांट्स ने अपने आप को बचाने के लिए ये जनरेट किए थे। ये डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है और सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है डिफेंस एक्शन। क्लियर? तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स ने हर्बीवोरस से, मींस उनके प्रीडेटर से, अपने आप को बचाने या प्रिवेंट करने के लिए एज ए केमिकल डिफेंसिव सब्सटेंसेस जनरेट किए थे, जो आपको प्रीडेशन की एक्टिविटी में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 है, वो कह रहा है विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। आप बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, और आप सेल बायोलॉजी में ये डिस्कस करते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में एक एक्सटेंशन ले लेती है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम की प्रेजेंस है तो इसको आप RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ आप कहेंगे एसोसिएट करता है गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी यहाँ एसोसिएट करता है, और फर्दर आप कहते हैं गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, दोनों कंपोनेंट हैं। लाइसोसोम्स और वैक्यूल को इन्वॉल्व करते हुए हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में फोर सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। आपको कह रहा है द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो देखिए जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ठीक है, और जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे स्टूडेंट्स जो है वो लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। अब एग्जैक्टली जो प्रोटीन और लिपिड यहां सिंथेसाइज किए गए, तो साइट एग्जैक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, यहां सिंथेसाइज किए जाने के बाद में ये जो है वो इंटरमीडिएट वेसिकल्स में इसको गोल्जी बॉडी को दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी सीक्रेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली करता है। तो जो फाइनल प्रोडक्टिविटी है वो एग्जैक्टली किससे आती है? गोल्जी बॉडी से आती है। ये गॉल्जी बॉडी जो सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज करता है, उन सिक्रेटरी वेसिकल्स में आप कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, या ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की वेसिकल्स ये रिलीज करता है, जो रेस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं RER और SER की एक्टिविटी से बनी थी। तो अल्टीमेटली द क्रेडिट गोज टू द गॉल्जी बॉडी। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि सुकेंद्री केंद्र की कोशिकाएं जो हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल जो है वो क्या है? गॉल्जी का, गॉल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहां इसके बाद में पॉलीसोम दे रखा है। आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए जो राइबोसोम की यूनिटी बनती है, दैट इज द पॉलीसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल है। पेरोक्सिसोम भी आप जानते हैं सेल ऑर्गेनल है, जो बीटा ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन फिर सेल बायोलॉजी से स्टूडेंट्स। आपको कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। तो देखिए जो सेल डिवीजन का प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसमें आप कहते हैं जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट मीन्स मैं कह सकता हूं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, जो मियोसिस है, इस मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो डिवीजन है। प्रोफेज फर्स्ट में आप पढ़ते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्लियर? और यहां इन स्टेजेस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम। ये जो स्टेजेस हैं बेसिकली जिसमें आप कह रहे हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्लियर? ये सब आपने पढ़ रखी हैं, इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस हैं, ये एग्जैक्टली क्रोमोजोम्स के बिहेवियर के बिहाव पर रिकॉग्नाइज की गई हैं, जिसमें लेप्टोटीन में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले क्रोमोजोम्स जो हैं वो अपीयरेंस में आते हैं। क्लियर? और साथ साथ जो है वो थायराइड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। जाइगोटीन में बायोवेलेंट फॉर्म में वो आते हैं। ठीक है, और पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर जो है वो करेक्टराइज वो करते हैं। डिप्लोटीन में स्टूडेंट्स क्रॉसिंग ओवर के ठीक बाद जब वो वापस से अपने रियल स्टेट में आते हैं, तो उस कंडीशन में आप ये कहेंगे वो जब एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां आप ये कहेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसको आप कियाज़मेटा के फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं। और फाइनली आपके पास जो डी है डाइकाइनेसिस, उसमें आप कह सकते हैं इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। एग्जैक्टली वर्ड टर्मिनलाइजेशन हम इसके लिए कह पाएंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसके लिए आपके पास आंसर आ जाएगा डिप्लोटीन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 62 द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इकोलॉजी से है।
मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको दिया गया है और 4 ट्रॉफिक लेवल किसी एक फूड चेन के आपको दे रखे हैं और उनमें ऑर्गेनिज्म भी आपको दे रखी हैं. क्लियर? तो देखो, ग्रासलैंड का कोई भी पिरामिड अगर आप देखें, बायोमास का होगा या फिर नंबर का होगा, अपराइट ही बनता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर दिया है. अब सबसे पहले मैं कहूँ प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर. तो आपको कोई डाउट इसमें ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है. प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगी. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पर मैं ले आता हूँ ग्रासेज को, घास. तो यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए आपके पास 4th हो गया. और इस बार के एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे कॉलम मैच वाले, इनमें सब में एक अच्छी बात ये थी कि एक आपको पता है, किसी किसी में ही ऐसा होगा कि 2 पे आपको जाना पड़ा, बाकी 1 से आपको क्लियर है. जो ग्रासेज है वो अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आप देखिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सी हमें पूछा गया है और सी वाले कॉलम में 4th आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा है. ठीक है, वैसे ग्रासेज के ठीक बाद आप कहेंगे जो रैबिट है, मतलब जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर थर्ड टाइप का ऑर्गेनिज्म जो यहां मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, देन आप कह सकते हैं क्रो हो जाएगा जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और वल्चर जिसको आप टॉप कंज्यूमर भी काउंट करते हैं. और टॉप कंज्यूमर के साथ साथ स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये डाइजेशन के बाद मटेरियल को रिलीज करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इसका रोल हम मानते हैं, और इसको सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में भी काउंट किया जाता है. डेड ऑर्गेनिज्म को ये खाता है, फूड चेन्स में टॉप कंज्यूमर के फॉर्म में काउंट होता है. क्लियर? तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो यहां हो गया है. ए में आप सेकंड देख रहे हैं, सेकंड का मतलब हो गया वल्चर जो 4th ट्रॉफिक लेवल है, बिल्कुल क्लियर है. बी जिसमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल आपको दिया गया है उसमें हम यहां रैबिट को काउंट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है. सी दे रखा है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ग्रासेज हो गया. और 4th दे रखा है डी थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और उसमें आप जानते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आपके पास हो गया यहां क्रो. क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 विल बी द 3. नेक्स्ट प्लीज स्टूडेंट्स, ये सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है. अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे प्रोफेज, फर्स्ट की जो सब फेजेज है उनको सबको एक्सप्लेन किया गया है. कह रहा है मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द मियोसिस. क्लियर? मियोसिस फर्स्ट में ऐसा है, आपको दे रखा है जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 4 सब फेजेज दे रखी है. लेप्टोटीन को इसने यहाँ नहीं लिखा है. करेक्टराइजेशन अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि देखिए सबसे पहले लेप्टोटीन में क्रोमोजोम्स जो हैं वो पास पास आते हैं और एक तरीके से क्लियर होते हैं, लेप्टोटीन में लिपटते हैं. जाइगोटीन में आप कहते हैं बाई, मतलब साथ साथ आ रहे हैं, तो एक तरीके से वो जो है बाइवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं. फिर उसके बाद में डिप्लोटीन आपको दे रखा है, अभी एक पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम कियाजमेटा की बात कर सकते हैं, और डाइकाइनेसिस में आप किस पे जा सकते हैं, टर्मिनलाइजेशन पे जा सकते हैं. तो सबसे पहले डी जो है डाइकाइनेसिस का टर्मिनलाइजेशन अगर मैं देखूं तो डी में फर्स्ट एक में ही लिखा है. जैसा मैं कह रहा था कि इस बार के ये जो कॉलम मैच के जो क्वेश्चन थे उनमें ये चीज आपको मिलेगी. तो देखिए जो डाइकाइनेसिस है उसमें हम ये कह रहे हैं टर्मिनलाइजेशन हो गया. फिर उसके बाद में जो डिप्लोटीन है आपके पास, इस डिप्लोटीन में आपके पास हो गया कियाजमेटा फॉर्मेशन, तो इसके लिए मैं ये देख सकता हूँ सेकंड हुआ. उसके बाद पैकाइटिन आपको दे रखा है, आप जानते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका क्रॉसिंग ओवर का होना, तो इसमें थर्ड आप देख लीजिए. और फिर आपके पास बचा है जाइगोटीन, युगपट अवस्था ऑब्वियस है, आप सिनेप्सिस की बात करते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी द 83. क्लियर? थैंक्स. हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं सर्वेश यादव, बोटनी फैकल्टी, CLC सीकर. अब अपना जो 2020 का जो नीट का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूं मैं. तो अपन इस सॉल्यूशन में बायोमोलिक्यूल्स, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे. ओके, स्टार्ट करें. तो ये क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंजाइम दैट फैसिलेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पिन किया है. फैसिलेट द ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स, लेकिन इसमें क्या दिया बेटा, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द RNA पॉलीमरेज फैसिलेट द ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स एंड कंटिन्यू द इलोंगेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी RNA पॉलीमरेज, आंसर विल बी सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, आपको इस क्वेश्चन में जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है. तो यहां देखो पहला स्टेटमेंट, एडिनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देखो बेटा यहां पर जो एडिनिन है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है बट थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. गुआनिन पेयर विद साइटोसिन थ्रू द
थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको रहना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। थर्ड स्टेटमेंट, एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू द टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट देखें बेटा, एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू द वन हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आपको करेक्ट सेलेक्ट करना था, आंसर विल बी थर्ड। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट दे रखा है। अपन कॉपी नंबर की बात करें, जैसे आपका एक डीएनए है, ये दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसका जब रेप्लिकेशन होता है तो इसका कॉपी नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ओरिसाइट। सो ओरिसाइट ऑल्सो इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, बट ओरिसाइट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, सो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा अपन जानते हैं आरई जो होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, तो उनका मेन फंक्शन क्या है, दोज कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट्स एट बोथ स्ट्रैंड्स। तो यहां देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनके विषय में आपको गलत कथन को क्या करना है, पहचानना है। रिगार्ड द रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही कथन है। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंट बाई यूजिंग डीएनए लाइगेज, देखो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, बट ये रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के रिगार्ड में करेक्ट नहीं है क्योंकि इसका आरई से कोई लेना देना नहीं है, तो आरई के रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, ईच आरई फंक्शंस बाई इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स, बिल्कुल सही है, बताया मैंने पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस है उन्हीं पे क्या करते हैं, ये कट करते हैं विद इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड ऑल्सो लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सो आंसर विल बी सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा ट्रांसलेशन की आपने बात की होगी, देखो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है दैट इज द प्रोटीन सिंथेटिक प्रोसेस, तो ट्रांसलेशन में अगर अपन बात करें जो प्रीपरेटरी फेज होती है बेटा, प्रीपरेटरी फेज दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फेज। तो प्रिपरेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं बेटा, जो टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए उसके ऊपर अपन अमीनो एसिड को क्या करते हैं, लोड करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। सो द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ओके, ऑल्सो कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी किया होगा, आपको पता है बेटा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो ये आप जो है उनको इजिली जो है नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, तो जब भी अपन डीएनए को सेपरेट करते हैं तो वहां पर एक डाई यूज करते हैं, और वो डाई कौन सी होती है, ईटीबीआर, इथीडियम ब्रोमाइड, दैट इज न्यूक्लिक एसिड स्टेनिंग डाई, दैट इज यूज ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं, तो पूछा क्या है, किसकी हेल्प से करेंगे, इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, क्योंकि आप यूवी रेडिएशन बेटा इमिट करोगे तभी ये क्या होगा, ये डीएनए जो है आपके ब्राइट ऑरेंज कलर के विजिबल होंगे, तो सिंपल है, आंसर विल बी फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो इनको मैच करना है आपको कॉलम्स को, यहाँ देखो बेसिलस थुरिंजियंसिस दे रखा है, तो आपको पता है बेटा जो बीटी है उससे अपन क्राई प्रोटीन जो है उसको यूज करते हैं, क्राई प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ क्राई जीन, तो इसको अपन मैच कर देंगे किससे, क्राई प्रोटीन से। नेक्स्ट, थर्मस एक्वेटिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मस एक्वेटिकस से अपन टैक पॉलीमरेज को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जिसको अपन यूज करेंगे किसमें, पीसीआर में, एंड टैक पॉलीमरेज इज ए डीएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ जो थर्मस एक्वेटिकस उसको अपन लिंक करेंगे डीएनए पॉलीमरेज से। नेक्स्ट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन एक्ट एज ए वैक्टर टू ट्रांसफर द जीन विद इन प्लांट्स, तो यहाँ इसको अपन मैच करेंगे किससे, फर्स्ट से, क्लोनिंग
वेक्टर, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करो फर्स्ट जो आरडीएनए बना था, फर्स्ट आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रिपेयर्ड बाय स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोहर इन 1971। तो उन्होंने किसको यूज किया था बेटा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसके प्लाज्मिड को यूज किया था। तो इसको अपन कोरिलेट करेंगे किससे, सेकंड से। तो ये मैचिंग मैंने कर दी है, तो देख लो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ देखो ए, ए में क्या जाएगा बेटा, फोर, ये देखो फर्स्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, मैचिंग करवाओगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ओके, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप जानते हो जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। तो यहां देखो बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहां लाइसिन दे रखा है, तो लाइसिन आंसर हो जाएगा। टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड है, वेलिन जो है ये सिंपल अमीनो एसिड है, ये पोलर भी नहीं है ना आपका चार्ज्ड है। ग्लूटामिक एसिड ये होगा आपका एसिडिक अमीनो एसिड, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, लाइसिन, आंसर विल बी फर्स्ट। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, बिल्कुल सिंपल है, ये जो पेयर है आपको करेक्ट पेयर को चूज करना है। तो फर्स्ट पेयर पे फोकस करें बेटा, यहां दिया आपका न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के आगे क्या मेंशन किया, सेपरेट द टू डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो ये जो पेयरिंग है बेटा इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट नहीं करता। न्यूक्लियस क्या है, एंजाइम है दैट कैटालाइज द डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यह स्टेटमेंट क्या होगी, मैचिंग क्या होगी, इनकरेक्ट। सेकंड देखें, एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए, ये गलत हो गया बेटा। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो स्पेसिफिक पोजिशन पे कभी भी कट नहीं करेंगे, स्पेसिफिक पोजिशन पे कट कौन करता है, आरई करते हैं। ओके, लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल, लाइगेज जो एंजाइम है बेटा वो क्या करता है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ जो पेयरिंग है करेक्ट कौन सी है, थर्ड। जो फोर्थ है वो देख लो एक बार, पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, तो पॉलीमरेज का काम ब्रेक डाउन नहीं होता बेटा, पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। 54, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ आपको देखो बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड वाले सब्सटेंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आप जानते हो बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में मिलेगा आपको, पॉलीसैकेराइड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, इन पॉलीसैकेराइड, एंड पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड इन प्रोटीन। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है बेटा रेस्पेक्टिवली पॉलीसैकेराइड कौन सा और प्रोटीन कौन सी। यहाँ देखो सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है बट लेसिथिन जो है प्रोटीन नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इनुलिन, इनुलिन इज पॉलीसैकेराइड, तो यहाँ इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। इंसुलिन इज प्रोटीन, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। तो जो आंसर आपका वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकेंड। यहाँ एक ऑप्शन और देख लो, काइटिन ठीक है पॉलीसैकेराइड है बट कोलेस्ट्रॉल इज नॉट प्रोटीन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल जो है बेटा एक सिंपल मॉलिक्यूल है, वहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एब्सेंट होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपका होगा सेकेंड। ओके, तो 54 में आंसर कौन सा है, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्कोरिंग है, ये काफी बार पैटेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, और ये सारे आपको ऑब्वियसली याद ही होंगे। क्लोस्टिडियम ब्यूटाइलिकम, इसको मैच करना है, तो ऑब्वियसली क्लोस्टिडियम ब्यूटाइलिकम से आप क्या ऑब्टेन करते हैं बेटा, ब्यूटायरिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से अपन ऑब्टेन करते हैं बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। मोनस्कस परप्यूरियस फंजाई है, और इससे अपन ऑब्टेन करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेटिन। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट एज इट इज। एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, तो ये मैंने मैचिंग कर दी, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो देखें बेटा कौन से आंसर पे जाओगे आप, ए वाले से मैच कर रहे हैं सेकंड। तो देखो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर फर्स्ट। आपकी एनसीईआरटी में केवल एक इको आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स को मेंशन कर रखा है बेटा, और वो है इको आर फर्स्ट, और आप जानते हो उसके जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस साइट है वो है जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी, दैट कंसिस्ट
6 base pair sequence and EcoRI cut the DNA molecule within this site at specific point, that is between G and A. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बेटा थर्ड, जी ए ए टी टी सी, दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ इको आर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. बिल्कुल सिंपल है बेटा, सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं. फर्स्ट कॉलम में बात करें बीटी कॉटन, तो बेटा बीटी कॉटन को आप किससे मैच करोगे? देखें बीटी कॉटन, ऑब्वियसली बीटी कॉटन के लिए अपन यूज करते हैं बेसिलस थुरिंजिएंसिस. एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है जो इसकी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल बेटा, तो ये रिलेटेड किससे है? आपकी जीन थेरेपी से. जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन टू ए 4-year-old गर्ल इन 1990 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किड, दैट इज अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज. ओके, तो इसको मैच कर देंगे अपन जीन थेरेपी से. आरएनएआई, वेरी सिंपल, आरएनएआई इज ए मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स. बिल्कुल ये भी सिंपल है, इसको मैच कर दो. सेकंड से पीसीआर, पीसीआर यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. तो यहां देखो डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन, एचआईवी संक्रमण का पता लगाना है तो किसका यूज करते हैं बेटा? किसका? पीसीआर का. ओके, ये इसको मैच कर दो इससे. तो इसमें मैचिंग मैंने कर दी है, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ये करेक्ट मैचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है बेटा, ये सारे एनसीईआरटी के हैं बेटा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है एनसीईआरटी से. बिल्कुल स्कोरिंग भी है और बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं. ठीक है, पीसीआर का बता दिया आपको. जैसे आजकल बता दूं आपको मैं, जो आपका कोविड है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसको डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर का यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या बेटा? मोलिकुलर डायग्नोसिस, जिसमें अपन आरटीपीसीआर को यूज कर रहे हैं जनरली. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 70, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ऑफ 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स. वेरी सिंपल बेटा, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, इसने बताया है बेस पेयर डिस्टेंस कितनी है, 0.34 नैनोमीटर. तो अपन न्यूक्लिक एसिड की डिस्टेंस को जब भी मेजर करते हैं तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर से, किससे? 0.34 नैनोमीटर से. तो बिल्कुल सिंपल आपको दिया है उन्होंने, ह्यूमन की बात की है बेटा, ह्यूमन डीएनए कंटेंट दैट कंसिस्ट 6.6×10⁻⁹ बेस पेयर. बिल्कुल सिंपल है, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो उसकी लेंथ जो है वो आ जाएगी. तो जो लेंथ है वो अप्रोक्स कितनी आएगी? 2.2 मीटर. और ये भी आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज स्टेटमेंट दे रखा है, उन्होंने कैलकुलेट करके और एज इट इज वहां से क्वेश्चन डिजाइन किया है. तो आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, बिल्कुल सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, आपको इसमें कौन सा स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जो करेक्ट नहीं है. ओके, फर्स्ट देखें बेटा, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? ये इनकरेक्ट हो गया. ओके, क्योंकि आप जानते हो बेटा जो फंक्शनल इंसुलिन है उसमें दो चेन होती है, चेन ए एंड चेन बी, और दोनों चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में क्या होती है बेटा? ज्वाइंट होती है. हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड. ओके, सेकंड देखें, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ईकोलाई. बिल्कुल करेक्ट है बेटा, आपको पता है 1983 में जो इली लिली कंपनी थी उन्होंने सबसे पहले ह्यूमुलिन को प्रोड्यूस किया था और यूज क्या किया था? ईकोलाई. थर्ड, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन. बिल्कुल करेक्ट है, अपन अपनी बात करें तो जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है प्रो इंसुलिन फॉर्म में होता है बेटा, दैट कंसिस्ट ए चेन बी चेन एंड ऑल्सो ए एक्स्ट्रा चेन दैट इज सी चेन. तो इसको अपन बोलेंगे प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन बनने के बाद उसका होता है मैचुरेशन. ठीक है, एंड ड्यूरिंग मैचुरेशन सी चेन इज रिलीज्ड. ओके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ देखें, प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड. ये अभी बताया मैंने, इसके पास एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड. तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? करेक्ट हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो क्या है? इनकरेक्ट. तो आपको ये सेलेक्ट करना था विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आंसर क्या होगा आपका? कोलेजन. ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम कोलेजन, एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट किंगडम और इन बायोस्फीयर, आंसर क्या जाता है बेटा? रूबिस्को. ओके, तो आंसर विल बी फोर्थ. मैच द फॉलोइंग, मैचिंग के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, तो आपको मैच करना है. देखो यहाँ पर क्या है, इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, यहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी का कोई इनिबिटर जो है वो मैच करना है. तो वेरी सिंपल बेटा, ये मैच किससे करोगे आप? मेलोनेट से. याद करो, मेलोनेट इज द कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज. ओके, पजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होगा बेटा? वेरी सिंपल, पेप्टाइड बॉन्ड आपका होगा किसमें? प्रोटीन में. तो इसको मैच कर दो प्रोटीन से. सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, वेरी सिंपल, काइटिन. सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यहाँ इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है बेटा? यहाँ पर रिसिन जो है वो क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट. तो इसको मैच कर दिया तो आंसर हो जाएगा आपका, मैचिंग के अकॉर्डिंग देखो बेटा, तो इसमें आंसर होगा आपका बी वाले से मैच करो, ये होगा फोर्थ. तो ये थर्ड ऑप्शन जो है इसके अंदर, ये आपका मैच कर रहा है. ओके, ए में होगा सेकंड, बी फोर्थ, सी को मैच किया आपने किससे बेटा? सी को किया है थर्ड से. ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. ओके, तो ये आपका बायोलॉजी का बेटा पेपर पूरा सोल्व हो गया है, जिसमें जूलॉजी बॉटनी बायो फॉरगेट थी, तो सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.